3, 2, 1 चेक करो यार क्या लग रही है बाइक भाई। सो ये रही राजा डिस्पाई की बाइक। Hello guys and welcome back to my YouTube channel SR Motor Vlogs. So guys, कैसे हो आप सब? I hope you all are fine. So guys, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गोलू भाई की शॉप से। So मैं यहाँ पे आया था गोलू भाई को लेने क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं गाइस एक स्पेशल जगह पे। सो आज राजा डीसी भाई की बाइक जो है वो रिवील होने वाली है, तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं। सो भाई ने बुलाया हुआ है, 3 दिन से यहाँ पे लगी हुई थी जिसकी मॉडिफिकेशन हो रही थी यहाँ पे। सो वो रिवील होने वाली है आज। सो आज आप लोग देख पाओगे कि वो बाइक कैसी लग रही है। वो बाइक देखने के बाद एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि सारे देख के हैरान थे यार कि गोलू भाई ने क्या कर दिया। मतलब बहुत मेहनत लगी है यार, मतलब 3 दिन से बाइक यहाँ पे थी, बहुत मेहनत लगी है यार। वो मेहनत भी आपको दिखेगी यार, सब वहीं पे चल रहे हैं। बाकी ये रहे पीछे अपने गोलू भाई, काम कर रहे हैं अभी भी भाई। यार देखो लोग काम कर रहे हैं यार, मतलब इतना मेहनती बंदे हैं यार सही में। भाई का चैनल सब्सक्राइब करो जाके यार, उस पर आपको कंटेंट मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। गोलू मोटर भाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर चेकआउट जरूर करना। बाकी गोलू भाई कुछ कहना चाहते हो आप? बाकी यार बाइक वगैरह तो बहुत सही बनी है यार, बहुत मतलब 3 या 4 दिन लगे थे बाइक पूरी क्या करते हुए, बहुत ज्यादा टाइम लगा मेरे को। बाइक वगैरह देखोगे ना बहुत सही लगी है आपको, इतनी सही लगी है पूरे जम्मू में एक ही बाइक होगी और ऐसी लग रही है पूरा हायाबुसा लग रहा है। सीरियसली मतलब जो वो बाइक है वो ऑलरेडी इतनी बल्की लगती है, रैप की वजह से ना वो बाइक और ज्यादा बल्की लगने लगती है, मतलब इतनी प्यारी लग रही है। सो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। आपको मैं अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप दिखा देता हूँ। तो ये रहा अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप, देख रहे हो आप गोप्रो से, देखो कहाँ पर आ गए। शुरुआत इसी से की थी, अब यहीं पे वापस आ गए, ठीक है ना। दिस इज लाइफ, कोई बात नहीं। अपना गोप्रो भी बहुत जल्दी आ जाएगा गाइस, मेरी बात होगी उनसे। सो अभी वो अंडर प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्दी क्या पता रिप्लेस होके आएगा, मैं क्या पता नया गोप्रो मिल जाएगा, लेट्स सी। बाकी ये रहा, ये जो देख रहे हो हेडफोन जो मैंने लिया था वो यहाँ पे अंदर घुसाया हुआ है ऐसे करके। तो ये एप्पल के हेडफोन है, उन सुनने वालों ने इसी से सुनोगे आप। तो ये है मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप कुछ दिन तक के लिए, जब तक अपना गोप्रो नहीं आ जाता। तो इसी पे अपना फोन लगाऊंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं यार यहाँ से, लेट्स गो। सो गाइस अभी जो आप साउंड सुन रहे हो वो सुन रहे हो मेरे इसी माइक से। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लग रहा है साउंड, ठीक है। बाकी चलते हैं यहाँ से। बाकी यार गाइस अपनी बाइक पे भी बहुत जल्दी गाइस मॉडिफिकेशंस आने वाले हैं, ठीक है ना। गोलू भाई ने मेरी बाइक के लिए भी कुछ थीम सोचा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। तो अपनी बाइक पे भी मॉडिफिकेशन होने वाले हैं। सो मेरे ख्याल से इसको काफी टाइम हो चुका है, मैंने इस रैप के बारे में भी कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया हुआ है। थोड़ा मैंने एक छोटा सा मतलब छोटा सा वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बताया था कि मैंने बाइक में क्या क्या करा हुआ है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन होने वाले गाइस वो तो बहुत खतरनाक वाला होने वाला है, तो वेट फॉर दैट। बाकी अभी चल रहे हैं यहाँ से, उम्मीद करता हूँ साउंड जो है ना इस पर अच्छा आ रहा होगा, ठीक। बाकी गाइस थैंक यू सो मच यार, हमारे चैनल पे गाइस 9000 समथिंग सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बहुत जल्दी 10K भी होने वाले हैं। सो उसके लिए थैंक यू सो मच यार, इतना सारा प्यार देने के लिए एंड इतना सारा सपोर्ट दिखाने के लिए गाइस थैंक यू सो मच। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पा रहा है, इन्हों कहा मतलब मैंने कभी इतना सोचा नहीं था, मतलब मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि बस एक बार 1K हो जाए ना, मतलब मैं 1K तक के लिए बहुत वेट कर रहा था यार, बहुत मेहनत भी करी है यार। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा गाइस लेकिन बहुत पापड़ बेले मैंने, कसम से बोल रहा हूँ बहुत पापड़ बेले गोप्रो लेने के लिए। एंड मतलब क्या ही बताऊँ मैं, एक किसी वीडियो में जरूर बात करेंगे इस बारे में। बाकी इतना सोच रहा था मैं कि मेरे 1K हो जाए एंड 4000 वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाए बस, और क्या मतलब इतना सोचा था मैं, लेकिन देखते देखते कब हम 9000 सब्सक्राइबर तक आ गए पता भी नहीं चला इस चीज़ का। इतना प्यार दे रहे हो आप सब, सो थैंक यू सो मच यार, एंड ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखो यार। आप अजन भाई भी आए हैं, अजन भाई कैसे हो? और अजन भाई और भाई बढ़िया। सो अभी बाइक होने वाली गाइस रिवील। 2, 1 क्या मॉडिफाई करी है भाई, चेक करो यार। राजा डीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, गोलू भाई की मेहनत दिख रही है यार भाई। मल्टी कलर में बाइक तैयार की हुई है, चेक कर रहे हो यार, बल्कि ना मॉडिफिकेशन हो रखी है बाइक में यार, देख रहे हो। बैक वाला पोर्शन चेक करो यार, ओहो भाई सबसे इतनी प्यारी मॉडिफिकेशन ना बहुत रेयर होती है जम्मू में। एंड भाई पहले आपने राजा भाई की बाइक देखी होगी, पहले भी जो RC तैयार हुई है वो भी एक नंबर तैयार हुई है। एंड ये इनकी RR भाई क्या लग रही है यार, मतलब क्या। एंड दोनों भाई अपनी गोलू भाई ने तैयार की है भाई, मेहनत करी है भाई सीरियसली। बाकी यार रही राजा डीसी भाई की बाइक, एंड ये मतलब मल्टी कलर किए हुए यार यहाँ पे। एंड ये देखो टेल सेक्शन इसका,
बाकी यार आप चेक करो यार भाई, क्या मतलब क्या ही तैयार किया यार, मतलब मेहनत है यार, सीरियसली मेहनत है, आप चेक करो यार, मतलब क्या लग रही है यार, रैपिंग जो है रैपिंग की क्वालिटी भी आप चेक कर रहे हो यार, एक नंबर लग रही है। बाकी बाइक चेक करो यार बाइक, और कसम से मतलब अभी बिलीव नहीं हो रहा यार कि इतनी तगड़ी मॉडिफिकेशन हुई है अपने जम्मू में यार, एंड वो गोलू भाई ने करी हुई है भाई, एंड लेवल लग रही है यार भाई, एंड अपने भाई यहाँ पे राजा डीसी भाई। सो भाई क्या बाइक लग रही है यार, देखे तो गाइस अभी केक वगैरह कटने वाला है, हैप्पी एनिवर्सरी। सो गाइस क्या मॉडिफिकेशन हुई है यार, आपने चेक किया यार, बाकी अपने जानू भाई भी आए थे, मानिक त्री अर्जुन भाई। सो भाई यहाँ पे बाइक रिवील हुई है सिरेमिक प्रो में भाई, एंड लेवल की मॉडिफिकेशन हुई है भाई, बोलू मजा आया बाइक देख के। ओहो तो राजा भाई अपने जा रहे हैं भाई, चलता हूँ बाकी। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई यार, बाइक बहुत तगड़ी बनाई है यार, सारे मॉडिफिकेशन एक नंबर आते हैं यार राइड पे। फाइनली गाइस हम आ चुके घर पे, तो एक छोटी सी राइड भी करी उनके साथ, एंड बहुत मज़ा आया है राइड पे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और जानू भाई अपनी थार में थे, सो बहुत मस्त राइड रही है। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से आ गए, फाइनली अपने बाइक तो देख ली है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको बाइक कैसी लगी है। एंड प्लस वो जो बाइक है ना गाइस, वो कुछ अलग ही तरीके से तैयार हुई है यार, मतलब लग ही नहीं रही है कि RR 310 है वो यार, इतनी प्यारी मॉडिफिकेशन हुई है उस पर, इतनी प्यारी, इतना प्यारा रैप हो रखा है उस पर यार, बहुत एंड लेवल का ना, एंड लेवल का मॉडिफिकेशन हो चुका है उस पर यार, मतलब सच में बोल रहा हूँ मैं। जितने भी लोग आए थे ना वहाँ पे, वो सब देख के हैरान थे कि भाई ये क्या है, मतलब ये RR 310 ही है या कोई और बाइक है। ऊपर से जिस हिसाब से उसमें रैपिंग हो रखी है ना, मतलब कहीं पे भी इतनी सी छोटी सी भी ना वहाँ पे वो छोड़ा नहीं है कहीं पे भी, वो देख के लगे कि ये रैप है, ऐसा पेंट है वो। ऊपर से जो ग्राफिक उस पर रखे, ओफ ओफ भाई, ग्राफिक एंड लेवल के ग्राफिक हुए हैं यार उस पर, बहुत प्यारी ग्राफिक ने ना उस बाइक में ना जान भर दी हुई है, इतनी प्यारी लग रही थी बाइक। पहले राजा डीसी भाई की पहले RC, वो मेरी पर्सनल फेवरेट है यार, पर्सनल फेवरेट है वो RC ना, पूरे जम्मू में इकलौती है। एंड जिस हिसाब से उसमें रैप, मतलब रैप वगैरह हो रखा है, वो भी बहुत प्यारा, थीम बहुत प्यारा है। सो जो थीम सोचते हैं ना भाई यार, अलग ही सोचते, ये बात तो है, थीम भाई का ना अलग ही रहता है भाई। जो आरसी के लिए थीम सोचा था वो भी यूनिक था, एंड जो थीम इसके लिए सोचा है वो भी यूनिक है। एंड जब बन के तैयार होते हैं तो वो ऑब्वियसली अच्छी लगती है, तो वही चीज़ है। आज के लिए इतना ही गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।